आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर। अपने उड़न खटोले से अनुप्रिया पाटिल रविवार बहराइच पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान भाजपा की नीतियों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है, और आने वाली 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है आज दोबारा तीसरा चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या लगता है कि इसमें कितनी सीटें आप निकाल रहे हैं? पिछले दो चरण में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के साथियों को बढ़त है, और दो चरणों ने हमारे समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों की नींद उड़ाने का काम किया है, और तीसरे चरण में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के जो भी प्रत्याशी जिस भी सीट से लड़ रहे हैं वो शानदार तरीके से अपनी बढ़त लेते हुए अपनी सीट को जीतने जा रहे हैं। मैं नानपारा में कोई बड़ा उद्योग कारखाना नहीं है जिसकी वजह से यहाँ के तमाम जो नौजवान हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है, मेट्रो देशों में मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता है, इसके लिए क्या कोई प्रयास करेंगे आप? जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो आपके बहराइच को मेडिकल कॉलेज मिल गया था, अब मैं उद्योग राज्य मंत्री हूँ, अब राम निवास वर्मा जी को आगे पहुँचाइए, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ।